रुद्रपुर में भी छठ पूजा के अंतिम दिन पानी में उतरकर उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके साथ ही इस महापर्व का समापन हो गया। इससे पहले सुबह ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। छठ पूजा के आखिरी दिन को उषा अर्घ का आखिरी दिन भी कहा जाता है। इस व्रत के समापन के बाद छठ व्रती घर पर आकर अदरक और पानी से 36 घंटे के बाद निर्जला व्रत को खोलती हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर में गंगापुर स्थित जल मंदिर, कल्याणी नदी सहित अनेक छठ घाटों, नहर किनारों, कृत्रिम जलकुंडों के किनारे छठ व्रतियों ने सूरज की पहली किरण के साथ अर्घ दिया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लोग छठी के दौरान गीत गाते दिखाई दिए। दरअसल उत्तराखंड में सबसे अधिक पूर्वांचल समाज के लोग ऊधम सिंह नगर में ही रहते हैं। इस कारण छठ पूजा को लेकर यहाँ लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई देता है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। महासभा द्वारा आयोजित छठ कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यहाँ अपार जन समूह है और ये खरना से शुरुआत होकर इसका आज उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इसका समापन होता है। इसके बाद ही लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस व्रत का बहुत ही महत्व था। इसमें व्रती 48 घंटे का व्रत रखते हैं। पूरा घर परिवार, घर के प्रत्येक सदस्य का इसमें सहयोग रहता है और इस व्रत का महत्व पूरे समाज के लिए भी बढ़ता चला जा रहा है।